थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं इसे पूरा थ्रॉटल दे दूँ, पर कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, ठीक है, क्योंकि हल्की चलानी है अभी, क्योंकि भाई कुछ तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है बहुत जल्दी। मैं पहले मेरी बहुत पहले की एक ब्लॉगिंग की वीडियो भी है, मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा भाई। मेरे अंदर ना कीड़ा ब्लॉगिंग का बहुत पहले से था और आज भी है, ठीक है भाई। मतलब पहले मेरे पास एक KTM थी, KTM RC 200, यार कोई सा टायर जो है ना उसमें या तो हवा कम है या कुछ है, मुझे अजीब लग रही है गाड़ी अब चलाने में। उतरी हो भाई, इस वाले टायर में हवा ही नहीं है। ला भाई ये क्या हो गया सीन, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यार गाड़ी भाग भी नहीं रही यार, उस वाले पुल पे 100 चढ़ने में बहुत टाइम लगा दिया उसने। बल्लू अभी हवा डलवाई है, ये अरे ऐसे तो पता ही नहीं लगता है 110 120 कब गई। इस वाले रोड पे आयो पाशा भाई, तुम कभी हमारे साथ आयो इस वाले रोड पे, मतलब मेरे साथ आयो। नहीं मेरे साथ नहीं आया ना, हैं? हाँ कौन सा रोड है ये भाई पाशा भाई, तुम झूठ बोल रहे हो, इस रोड पे नहीं आए तुम। तो तुमने अभी से वो बना दिया था मोती नगर वाला, तो पाशा भाई तुम नहीं आए। आज आराम आराम से चला रहे हैं अपनी CVR, पर थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं इसे पूरा थ्रॉटल दे दूँ, पर कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, ठीक है, क्योंकि हल्की चलानी है अभी, क्योंकि भाई कुछ तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला बहुत जल्दी, तो इस करके हल्की चला रहे हैं वैसे, है ना भाई। अब बहुत जल्दी कुछ नया सरप्राइज आने वाला है भाई YouTube फैमिली के लिए अपनी, तो आज भाई लोग इसलिए हम इसे स्लो चला रहे हैं। और यहाँ पे स्पीड कैमरा, यहाँ देखो सारी गाड़ियों की ना ब्रेकें बस जाती हैं, यहाँ से पार होते फिर रेस दब जाती है, वो बात अलग है, पर यहाँ आते ही सारी गाड़ियों की ब्रेकें दब जाती हैं। और यहाँ पे जाम किस बात का मिल रहा भाई आज, अच्छा आज ग्रीन, अबे रेड लाइट हुई हुई थी। थोड़ी सी खींच के देखते हैं भाई, जहां मैंने खींचने का नाम लिया भाई ऐसा जाम मिल गया। अब भाई तुम्हारे तुम भाई लोगों के लिए ना अपनी YouTube फैमिली के लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज आने वाला है। सही है भाई, तगड़ा सरप्राइज आने वाला है, बहुत तगड़ा आने वाला है। हाँ 3-4 महीने मैक्सिमम, 3-4 महीने। मैं पहले मेरी बहुत पहले की एक ब्लॉगिंग की वीडियो भी है, मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा भाई। मेरे अंदर ना कीड़ा ब्लॉगिंग का बहुत पहले से था और आज भी है, ठीक है भाई। मतलब पहले मेरे पास एक KTM थी, KTM RC 200, तो मैंने उस पर ब्लॉग बनाए थे काफ़ी, तो उस पर से मैंने चैनल डिलीट, मतलब उस पर से ना सारी वीडियो डिलीट कर दी थी। वो था खान बॉय 007 करके चैनल था मेरा, ठीक है, उसमें सारी KTM की वीडियोस थी, पर वो मैंने सारी वो कर दी थी, डिलीट कर दी थी, पता नहीं क्यों मैंने डिलीट करी थी, किसी रीज़न की वजह से मैं भी भूल गया हूँ। और एक मेरा 6 ईयर ओल्ड पहले भाई, 6 साल पहले 6 ईयर ओल्ड मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वो है सलमान खान के नाम से। तो सलमान खान के नाम से कोई यूट्यूब चैनल इतनी आसानी से आएगा नहीं, तो मैं तुम्हें ना एक क्लिप दिखा दूंगा अपने व्लॉग की, मतलब कितने पहले से मेरे अंदर कीड़ा है भाई। मेरी आवाज़ सुनोगे ना तुम, मतलब बिल्कुल ही आवाज़ चेंज है मेरी उसमें, क्योंकि भाई 6 साल पहले यार मैं, मतलब एज हमारी छोटी थी, तो आवाज़ बिल्कुल ही अलग है उसमें। और उसमें मैंने एक ग्लैमर दिखाई थी, ठीक है, तो वो दिखाई थी, वो है 6 साल पहले का मेरा ब्लॉग। तो मेरे को भाई ब्लॉगिंग का कीड़ा ना बहुत टाइम पहले से है, तो आज भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम भाई, अपना ब्लॉगिंग है बस। आज तक कोई चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, और भाई अब थोड़ा हमने भाई मेहनत करी है, ठीक है, तो अब मोनेटाइज हो गया अपना यूट्यूब चैनल, क्यों पाशा भाई। और अभी तक भाई $1 बन भी गया है, $100 पे पहली विड्रॉल आते, मतलब फर्स्ट अमाउंट जो होता है ना वो आप $100 पे विड्रॉल कर सकते हो, और अभी हमारा सिर्फ $1 बना, तो अभी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ जो पहली पता चले, अभी $100 होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर भाई अगर आप अपना भाई लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओगे ना, तो क्या पता इस वीडियो के बाद ही हमारे $100 बन जाए और हमारी फर्स्ट पेमेंट जो है वो विड्रॉल हो जाए।
तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने भाई जो जो अपने चैनल पे नया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी ना रीच डाउन जा रही है अपने चैनल की, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अच्छी अच्छी कमेंट कर देना ताकि तुम्हारा भाई मोटिवेट होता रहे। और इसी क्या पता इसी कारण से हमें हमारे भाई $100 भी बन जाए और फर्स्ट पेमेंट जो है हमारी विड्रॉल भी हो जाए। और यहाँ लग रहा है जाम, पर हम चीड़ फाड़ते हुए चल जाएंगे जाम को आगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे आगे जाने की, 100% नहीं पता जाएंगे नहीं जाएंगे। इसी खींचते हैं भाई, थोड़ी सी खींचेंगे, ज़्यादा नहीं, अपनी एक लिमिट में खींचते हैं। चलो क्या हो गया भाई? हाँ बहुत हल्के हल्के चलते हैं। अबे यार नंबर प्लेट ना वाइब्रेशन हो रही है, पता नहीं जो नंबर प्लेट थोड़ी सी अंदर घुस गई होगी तो इसलिए वाइब्रेट कर रही है। ऐसे साइड में रुक के ना एक जगह सेट करते हैं, पहले रुको भाई। एक ना अब तुम्हारा भाई एक चीज़ प्लान कर रहा है, इसमें भी तुम मेरे को थोड़ा सा सजेशन दो, ठीक है? एक भाई तुम्हारा भाई कैमरा ढूंढ रहा है, ठीक है, मतलब कैमरा लेना है तुम्हारे भाई को, तो एक मेरे को सजेशन दो कि 360 कैमरा। हाँ देखो मेरे पास ना दो ऑप्शन है, आप लोग बताना कौन सा कैमरा ऑप्शन जो है वो बेटर है मेरे लिए। उसमें मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ, या तो GoPro लेना चाहिए हमें, ठीक है? जैसे GoPro से ये है कि मैं अपना फ़ोन साइड में रख सकता हूँ, वैसे तो अब दो दो फ़ोन हो चुके हैं मेरे पास, दिखाइए मेरा वाला दूसरा वाला फ़ोन, ये रहा भाई, ये था मेरा पहला वाला फ़ोन, तो इससे मैंने इससे भी मैंने मोटो व्लॉगिंग करी थी, एक मिनट रुको, तो इससे भी मैंने मोटो व्लॉगिंग करी थी, ठीक है? तो ये पापा को दे, मतलब पापा के पास दूसरा फ़ोन था, वो थोड़ा सा नीचा मॉडल था इससे, M30S से, वो M10 था, पता नहीं M11 था, तो वो M10 या M11 था, तो मैंने भाई आईफोन लेना था तो मैंने पापा को दे दिया था ये फ़ोन, ठीक है? M30S ले पक्का गया पकड़, तो M10 में मैं पूरा घूम गया 360 यार। ये चीज़ आवाज कर रही है, नंबर प्लेट भी यार टूट रही है, डीएल खा गया मैं। डीएल खा गया, भूख लग रही थी ज़्यादा, मैं ही बता रहा था मैं मेरे को आईफोन लेना था तो मैंने आईफोन ले लिया, पापा को ये दे दिया। और हाँ आईफोन की स्टोरी जो है भाई वो बताता हूँ मैं, जैसे मैं आईफोन लेने गया ना यार, कोई सा टायर जो है ना उसमें या तो हवा कम है या कुछ है, मुझे अजीब लग रही है गाड़ी अब चलाने में, उतरी हो मेरे को अजीब लग रही है गाड़ी चलाने में यार, तो कोई टायर में हवा कम है। अबे इस वाले टायर में हवा ही नहीं है, ला भाई ये क्या हो गया सीन? मैं बोल रहा हूँ ना मैं यार, गाड़ी भाग भी नहीं रही यार, उस वाले पुल पे 100 चढ़ने में बहुत टाइम लगा दिया उसने, बल्लू अभी हवा डलवाई है। तो लेके तो चल पड़ेंगे, पर मैं देख वहाँ जब हम पुल पे भगा रहे थे तो याद है कितना टाइम लग रहा था, हूँ आराम से हो रही थी, इसे पता नहीं कुछ हुआ है, मैं वहीं से सोच रहा था यार कुछ तो हुआ है इसमें भाई, भाग कम रही है। चल यार बैठ आराम से चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कितने से स्टार्टिंग करी थी ये देखो, जिमनी अच्छी नहीं लगती यार मेरे को, जिमनी यार इतने पैसों में, और तेरी खिलौना बोल लोगे भाषा भाई, इतने पैसों में यार बंदा थार ले उसका लेगिट और है क्यों भाई? हाँ तो मैं ये बता रहा था पापा ने हैं, पता नहीं भाई मोटा खर्चा कराया जा रही है, बताओ नहीं ट्यूबलेस है, जब ही तो चला भी रहा हूँ, हाँ ट्यूब वाला तो चलाता ही नहीं, क्योंकि फिर खत्म ही था फिर से। तो चलो भाई लोग इसी के साथ नुकसान के साथ करते हैं अपना व्लॉग खत्म, तुम्हें रुक के दिखाता हूँ कहाँ कैसा नुकसान हुआ है अपना, बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है, अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से टायर ना फट गया हो यार बस, और टायर फट ना जाए, सारी दिक्कत तो यही है। उतरियो
यार पता नहीं कैसे निकली हवा, मतलब अबे बिल्कुल ही खत्म हो गई। ये देखो दबा, ये देखो बिल्कुल आराम से दब रहा है, बिल्कुल ही खत्म हो गई। बस यार टायर कहीं से फटना गया हो ये डर है। फटेगा तो नहीं, कोई पंचर ही हुआ है, तगड़ा पंचर हो गया बड़ा, वो वही देखेगा पंचर वाला। तो चलो भाई लोग इसी नुकसान के साथ करते हैं अपने व्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अब भाई नुकसान भी देख लिया, तो जो जो अपने चैनल पर नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब निकल गई ना वापस सारी, सारी निकल गई, बट टायर भी गर्म हो जाता चलते में तो, रोड पे चला गर्म नहीं होना।